और अब बात करते हैं रीवा जिले की, जहां उत्तर प्रदेश निवासी महिला को बंधक बनाकर गैंगरेप करने वालों के खिलाफ आखिर स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि 14 जुलाई की रात करीब 8 बजे जनी थाना क्षेत्र के सूती बांध के पास उत्तर प्रदेश निवासी 24 वर्षीय महिला के साथ बाइक सवार दो व्यक्तियों ने दुष्कर्म किया था। घटना की शिकायत पीड़ित के द्वारा स्थानीय थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी, जिसके बाद पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आपबीती सुनाई थी। मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने जनेह थाना प्रभारी को जांच कर त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद जिन्हें पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर धर्मेंद्र सिंह और उसके एक साथी के खिलाफ 376B 506 ST/SC एक्ट के तहत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर धर्मेंद्र सिंह और उसके एक साथी के खिलाफ 376B 506 ST/SC एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि पीड़िता बरगढ़ चित्रकूट से नैनी जेल में बंद अपने पति को छुड़ाने के लिए पैरवी करने के सिलसिले में प्रयागराज के लिए निकली थी। लौटते समय अंधेरा होने पर वह पैदल बरगढ़ की तरफ जा रही थी, तभी सूती बांध के पास मिले बाइक सवार व्यक्तियों ने मदद के नाम पर उसे तालाब की मेड़ पर ले गए और जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं, किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दिया है। आरोपी एक नव निर्वाचित सरपंच और एक शिक्षक बताए जाते हैं। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।